तो भाई लोग, अगर आपके रियलमी X2 में अभी तक C.08 अपडेट, जो कि मई का लेटेस्ट अपडेट है रियलमी X2 के लिए, पुश नहीं हुआ है आपके डिवाइस में, तो इस वीडियो के साथ टिल द एंड बने रहिए, बिकॉज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने रियलमी X2 में ऑफिशियली C.08 अपडेट मई का जो सिक्योरिटी पेज के साथ आता है और बहुत सारे बग्स फिक्स के साथ आता है। और डिटेल्स के लिए आप मेरी कल की वीडियो को देखना मत भूलिए, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बार में अटैच की है कि क्या क्या फीचर हैं C.08 के। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे रियलमी X2 में C.08 अपडेट ऑलरेडी है। यहाँ पर आप देख लीजिए आपके फ़ोन में ये नोटिफिकेशन आया होगा अपडेट का या फिर नहीं आया होगा। यहाँ पर आपके C.07 लिखा होगा और उससे पहले EAX या फिर AEX लिखा होगा। तो गाइस यहाँ पे आप इसको याद रखिए, EAX है तो याद रखिए उसको, नहीं तो AEX होगा। अब दोस्तों क्या करना है, नेक्स्ट टाइम मैं बता देता हूँ क्या करना है आपको। आपको आना है अपने क्रोम ब्राउज़र पर या फिर किसी भी ब्राउज़र पर, realme.com पर जाना है। realme.com पर आने के बाद आपको यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर पर 3-2 बार्स दिखाई पड़ेंगे, सपोर्ट सेक्शन पे आना है और यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट पे आना है। नीचे आइए, आपको रियलमी X2 पे क्लिक करना है, सर्च करना है कहाँ पर है। तो गाइज यहाँ पे आपको दिख जाएगा रियलमी X2 आपका। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपने जो AEX देखा था, अगर आपका AEX है तो AEX वाला करिए, क्योंकि आपको दो रियलमी X2 के अपडेट यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। दोनों में फ़र्क तो कोई नहीं है, बट सॉफ्टवेयर का है, एक सीरीज है ये। तो आपका EAX है तो EX डाउनलोड करिए, अदरवाइज़ AEX। इसको डाउनलोड जैसे ही करेंगे आपके फ़ोन में आ जाएगा। 3 GB की ये फाइल है, इसको आपको फुल्ली डाउनलोड करना पड़ेगा। ऑफिशियली जो है वो उसका साइज़ 316 MB है, बट इसे आप इसलिए पूरा डाउनलोड कर रहे हैं क्योंकि ये पूरा Realme UI का ये अपडेट है, Realme UI भी इसके साथ ही है। अब दोस्तों यहाँ पर जब ये डाउनलोड हो जाएगा आपके डिवाइस में, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे जैसे आएगा डाउनलोड सेक्शन पे, यहाँ पे ये दिखाई पड़ेगा। इसको आपके जो फाइल होगा ये OZIP होल्डर के साथ होगा, OZIP लास्ट में लिखा होगा .OZIP, ये जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है .APK, इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको दिखाई पड़ेगा कि इंस्टॉल अपडेट, इंस्टॉल अपडेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा और आपका फ़ोन रिबूट हो जाएगा। रिबूट होने के बाद आपका फ़ोन पूरी तरह से अपडेट हो जाएगा और आपका पॉपअप आ जाएगा कि आपका फ़ोन अपडेट हो चुका है और आप इंजॉय करिए इस लेटेस्ट अपडेट को। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए और भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जैसे कि आप मुझसे पूछ सकते हैं कि अगर हम मैनुअली करते हैं तो क्या हमें नेक्स्ट अपडेट नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, ऐसा कोई भी भ्रम नहीं है, क्योंकि मैंने इससे पहले जो किया था C.06 वो मैंने मैनुअली किया था, इवन मैंने रियलमी UI भी मैनुअली ही किया था। तो मुझे भी जो और भी नेक्स्ट अपडेट्स हैं मुझे मिलते रहे हैं, और इससे नहीं वारंटी का इशू आता है, क्योंकि आपने इसे realme.com से आपने खुद ही इसे डाउनलोड किया है, ठीक है ना। ही कोई सिक्योरिटी की इशू आएगी, बिकॉज हम कोई बूट लोडर थोड़ी ना एक्टिवेट कर रहे हैं। तो ये थी वीडियो में, मिलता हूँ नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए लोग, और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। बाय, अपना ख्याल रखिए।